नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ रुचा वर्मा। खबर चिला बिस्नौर के नहटौर से है, जहां ऑक्सफोर्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया और ध्वजारोहण किया गया। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। बच्चों द्वारा देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें बच्चों ने नृत्य गीत नाटक प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए विद्यालय के अध्यक्ष इंजीनियर आशीष सिंघल ने सभी को बधाई देते हुए अपने राष्ट्र के गौरव और मान सम्मान के लिए हर समय तैयार रहने का आह्वान करते हुए आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही भारत को पूरे विश्व में विश्वगुरु के रूप में नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा और हम सबको इसके लिए अपने अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी मेहनत और लगन से कार्य करना होगा। हर वर्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, मालूम आप लोगों को? हम लोग गणतंत्र दिवस परेड से बोलते हैं, देखते हैं, और उस गणतंत्र दिवस के शानदार भव्य कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति होते हैं, भारत की प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट होती है, सभी दलों के नेता होते हैं, सभी सांसद होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में मेहमान उपस्थित होते हैं। तो हर वर्ष कोई ना कोई विदेशी मेहमान किसी न किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार निमंत्रण देती है। इस वर्ष उस कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति बहुत ही युवा डायनेमिक नेतृत्व करते हैं, इमैनुअल मैक्रों, आज वहाँ कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है और इस वक्त वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच पर उपस्थित हैं और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बहुत शानदार परेड वहां निकल रही है और बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज दिल्ली में आयोजित हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज शाम को सब लोग ज्यादा हमें टीवी पे भी उस कार्यक्रम को जरूर देखेंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।